गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रेखानील ब्लॉग्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं अभी मॉर्निंग से वीडियो बना रही हूँ, तो मैं बताती हूँ आज आपको आगे की प्रोसेस। हम कर रहे हैं सफाई, क्योंकि यहाँ रास्ते में हो चुका है घास ही घास। ये देखिए, ये घास ही घास हो चुका है, यहाँ में आने जाने में परेशानी हो रही है। ये देखो, मैंने घसेरी, हमारी घसेरी घास काट रही है। यार देख, हमारी घसेरी घास काट रही है रास्ते में आने। यहाँ पे डर लगती है, आजकल घास घास हो रखा है, इस वजह से घास काटना पड़ रहा है। तो देखिए, ये पूरा रास्ता यहाँ पे अभी घास काटेंगे हम। ये देखिए गाइस, बहुत घास हो रखा है, तो ये घास कट करनी है। और मैं बताती हूँ आज का मौसम आपको, मौसम कुछ इस तरीके से है। बाहर धूप भी लगी हुई है, उसी टाइम धूप भी लगी हुई है, उमस भी हो रही है, मौसम का कोई पता नहीं। अभी भी बारिश हो सकती है। जा रही हूँ वहाँ पे जहाँ पे हम घास काट रहे हैं, जहाँ पे सफाई हो रही है। कैसा लग रहा घास काटना? बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। घर की याद आ रही? नहीं, घर की याद नहीं। गाय की याद आ रही? गाय की याद आ रही। हाँ, हाँ सही बात है, घर पे होता तो घास गाय के लिए होता। लेकिन इधर नहीं, भैंसों में कटा जा रहा है, घर का घास एकदम सॉफ्ट होता है, इसको काटने में बड़ी आसानी होती है। बट ये हार्ड हो रहा है, क्योंकि दराती नहीं है हमारे पास, दराती भी वैसे जंक लगा। क्योंकि देहरादून में घास घूस काटने का कोई काम होता नहीं। ये घास घर की घास कच्ची घास साफ कर दिया। अब हम जाते हैं घर, क्योंकि धूप लगेगी बहुत ज़्यादा। अब इतना ही बस की है, हमारे घर से घर आ चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि वीडियो पे बहुत कम लाइक, व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। तो मैं देखा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर।